एस एम एस से चैनल वाले साढ़े को आए हैं, उन्होंने बड़ा धन्यवाद। घोड़े रखना दिलेर लोगों का काम है, और कमज़ोर दिल लोग जब घोड़े रखते हैं तो वो रिंगों में लड़ाई करते आके। अगर आपको इतना एक भ्रम है कि आपका घोड़ा चैंपियन है, तो उसको कभी भी रिंग में लेके मत जाओ। पैसे के ज़ोर पे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास ही बेस्ट चीज़ है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भैया तुम संजय दत्त लगते हो, उसमें मेरी गलती है बोलने वाले के लिए। आदमी को खुद को समझना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करता है। मुक्सर आया, मंदिर से मुलाकात नहीं हुई, ये बार देर हो गया यार। और जगदीप, घोड़े का नाम क्या है? इसका नेम है कॉटन। कॉटन यानी कापूस, रुई, कपास वाला कॉटन। इनके जो मालिक होता है उसके लिए तो घोड़ा अनमोल है, बाकी जिसका दिल आ जाए इसकी कोई कीमत नहीं होती। वेलकम टू एफ एस सी एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है फहद जरीवाला। आज है 12 जनवरी 2023। मुक्सर मंडी में आया हूँ मैं दोपहर के तकरीबन आई थिंक 12:15 हो रहे हैं। एंड आज देखते हैं, आज बहुत रश है, आज ट्रैफिक भी बहुत मिली। इंटरेस्टिंगली बहुत बहुत ठंडा है आज, पता नहीं लग ही नहीं रहा है कि भाई दोपहर है। यूजुअली दोपहर में थोड़ा गर्म हो जाता है, बट अनबेरेबली कोल्ड है, इट्स वेरी वेरी कोल्ड। आई थिंक द टेम्परेचर मस्ट बी होवरिंग अराउंड 12-13 डिग्रीज एट दिस पॉइंट इन टाइम, और प्रॉब्ली 15 एट मैक्स, नॉट मोर देन दैट। और रात में तो बहुत ठंड हो जाती है, 7 से 8 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर। सुबह और ठंड होती है 7 से 8 बजे, फॉग बहुत होता है। बेचने लाए हो? कितना मांग रहे हो? लिया है। कितने में? 49 का। बछेरा है, बहुत सुंदर है। चेहरा बताइए, कितने उम्र का है? 4 महीने। भाई साहब किसका है ये? क्या नाम है इसका? बादशाह। ओनर कहाँ के इसके? कुंडल गांव। ओनर है इसके? कहाँ पे है इसके मालिक? कहाँ पे? फौजी घोड़े का बच्चा है, नाम है बादशाह। निकाल रहे हो बाहर? क्या बांध रहे हो? लेके खड़े हो बस। क्या उम्र का है ये? 4 साल का। आपका है सर? गुड आफ्टरनून सर, आपका है घोड़ा ये? हाँ जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल, और कहाँ के रहने वाले हो आप? गांव है जी कुंडल, जिला फाजिलका, पंजाब। फाजिलका के हो? हाँ जी। एक ही घोड़ा लाए हो? हाँ जी, एक ही लाया। क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम है बादशाह। बहुत सुंदर है ये। क्या मज्जू के लाइन वाला? हाँ जी, ये मज्जू के लाइन में है। फौजी घोड़े का बच्चा है ये। फौजी का बच्चा, माशाल्लाह। क्या हाइट का है ये? ये 64। कोल्ट है अभी? अभी हाँ जी। तो कोई कंपटीशन में उतारा नहीं था आपने? नहीं, आज डिस्प्ले रिंग में। अच्छा, आज ही लेके आए हो? ओके। कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है पहले, कोई शो वगैरह में? नहीं। क्या मकसद है, उद्देश्य क्या है आपका लाने का? वैसे ही बस शो करने के लिए। शो करने के लिए? बेचना नहीं है आपको? ये नहीं बेचना नहीं। वैसे ऐसे घोड़े लोग जानना चाहेंगे कितने में मिल जाते हैं? देखो, ये तो इनके जो मालिक होता है उसके लिए तो घोड़ा अनमोल है, बाकी जिसका दिल आ जाए इसकी कोई कीमत नहीं होती।
अच्छे भाव में मिलते हैं मज्जू। लेकिन खरीदने जाओगे तो मोल तो लगाओगे ना। देखो जो अच्छा मज्जू का घोड़ा है, जो अच्छा मज्जू का घोड़ा है, जेन्युइन है, वो 30 प्लस ही मिलता है कम से कम। 30 लाख का। हाँ, इसका DNA करवाया हुआ है, रिपोर्ट आने वाली है, पूरा जेन्युइन काम है हमारा। ओके, आजकल DNA बहुत ट्रेंड में है, सब लोग कराते ही कराते हैं। नहीं, ये तो वैसे तो मेरे घर के ही जन्म हुआ है, पर क्या है कि थोड़ा फौजी का ज्यादा झूठ चलता है लोग, तो अपना तो जेन्युइन है तो फिर हमने तो कराई है। एग्जैक्ट उम्र कितनी है इसकी? इसकी अभी हो जाएगी 40 महीने का, 40 months, तो ऑलमोस्ट स्टैलियन होने वाला है। हाँ जी हाँ, 4 साल में होता है। हाँ, 4 साल से। तो क्रॉसिंग की है पहले आप? हाँ जी हाँ, अभी इसका रिजल्ट भी आ चुका है। कैसा आया है रिजल्ट? ये फिली आई है, बहुत अच्छी मिली। हाँ जी। अब कहाँ पे? यहीं पास ही गाँव है हमारे। ओके जी, तो क्या है क्रॉसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं, वैसे तो इसकी 21,000 रुपये। तो वाकई देते हो कि 21,000 बैठे रहते हो, क्या लोग कम भी देते हैं किसान? देखो कम भी कर लेते हैं, कोई जान पहचान वाला है तो नहीं भी लेते। तो ये अच्छा कमाने का एक जरिया हो गया ना? नहीं, कमाने के लिए नहीं रखा ये, तो हमने तो शौक के लिए रखा है। तो अगर कोई गरीब है, शकीन है मज्जू के, घोड़ी अच्छी है तो छोड़ देते। तो राइड भी करते हो क्या? रहता है नहीं करते? करते हो राइड? बहुत से लोग देखा हूँ मैं, खाली बस रख देते हैं। नहीं, राइड करते हैं। फिटनेस से लगता है? हाँ जी हाँ, रूटीन पे 1 घंटा दौड़ा हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ घोड़ा। हाँ जी हाँ, माशाल्लाह। आपके पास कितने समय से है ये? ये मेरे बाय बर्थ, मेरे घर के जन्म, आप ही के जन्म? हाँ जी हाँ, इसकी माँ अभी मेरे पास है। तो इसकी माँ को फौजी से क्रॉस कराया गया? हाँ जी हाँ। फौजी कहाँ का है? फौजी लुधियाना में, ज्योति मांगड़ साहब उनके पास है। अभी भी है? अभी है जी। बड़ी उम्र, करीब मेरे हिसाब से 22-23 साल का घोड़ा हो चुका है। ओके जी, ओके जी, 22-23 साल का है। हाँ जी, और अभी भी ब्रीडिंग अच्छी का? अभी ब्रीडिंग नहीं, वो उसको थोड़ा पैरालिसिस बीमारी हो गई थी, तो ब्रीडिंग बंद है उसकी 2018 के बाद। तो ये अभी 40 महीने में कुछ बीमार पड़ा है, कोई बीमारी नहीं, आई नहीं, है इसको अभी तक के? नहीं, ठीक ठीक है, बेचना नहीं है लेकिन क्रॉसिंग के लिए अवेलेबल है। हाँ जी। आपका नंबर और नाम बताओगे? हाँ जी, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह, गांव कुंडला है जी, तहसील बो, जिला फाजिलका। और नंबर क्या है? हाँ जी, 9797817 8174847 4849 749 749। ठीक है, थैंक यू सो मच। On to the next cold. Two teeth का cold है, as you can see, the first prize winner of Punjab Horse Show. ये कल हुआ था, दो दांत का champion है ये। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम जगदीप। जगदीप, और जगदीप घोड़े का नाम क्या है? इसका नेम है कॉटन। कॉटन यानी कापूस, रुई? कपास वाला cotton. कपास वाला कॉटन, बहुत बढ़िया। सर जीत गया ये? जीत गया। लेकिन कॉम्पिटिशन में तो एक से एक धुरंधर थे, एक से एक चैंपियंस थे। आपको क्या लगता है जजेस ने क्यों चुना है इसको? अच्छा है, इसकी बांतर, इसकी जो ये लुई है ये, और इसकी बांतर अच्छी है। जब जब आप गए थे कंपटीशन में, आपने देखी? क्योंकि मैं तो देख रहा था नुकरे एक से एक आ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा। कभी आप लोगों को ऐसा था कि भाई हमारा टॉप 3 में रहेगा कि नहीं रहेगा, उम्मीद थी? एक साल से तैयारी कर रहे हैं तो पता ही है, हमने तैयारी करवाई है तो। लेकिन आपने सामने देखी होगी ना, और एक से एक आ रहे थे, तो कहीं दिल में लगा कि भाई नहीं जीतेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जजेस ने फैसला करना है तो वो तो कुछ भी हो सकता है ना, जो लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह पूछ रहा हूँ कि आपको उम्मीद थी? उम्मीद तो थी, जीतने की उम्मीद थी, बहुत बहुत उम्मीदों पे उतरा है ये। कॉटन नाम है, क्या तैयारी की आपने जीतने के लिए, क्या तैयारी हुई थी इसकी? इसकी रोज मॉर्निंग प्रैक्टिस करवाते थे, और इसको साफ करना डेली, इसके खाने वगैरह का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। क्या खाता है ये? चोकर खाता है, वैसे तो हरा चारा नॉर्मली खाता है, बाकी छोले वगैरह। ओके, कॉटन नाम किसे रख दिया इसका? ये जनरल। क्या नाम है आपका? बात करूं मैं इसे गगनदीप से? गगनदीप, आपने रखे हो कॉटन? कितने साल से आपके पास पल रहा है? हमारे पास 2 साल। 2 साल, उम्र क्या है एग्जैक्टली इसकी? इसकी 2.5 महीने। 2.5 महीने? 28 months। हाँ जी। 28 महीने का? हाँ जी। ओके, और ये कौन सी नस्ल का है? ये नुगरा ब्लड लाइन का है। नुगरा आ गई। कौन सी ब्लड लाइन है? हाथी घोड़े का ही। ये हाथी, वो 70 इंच का हाथी है उसका? हाथी घोड़े। अभी हाइट क्या है इसकी?
इसकी 64 प्लस आई। 64 हाथी तो 70 का था ना। फिर अभी इसकी उम्र में देखो तो उम्र ही 2.5 साल हुई है इसकी, तो चेंज बढ़ जाएगा। और आपको लगता है अभी साढ़े चार साल के बाद तो नहीं बढ़ाते है ना ये लोग। फिर 1 साल पड़ा है इसका। इसकी माँ कौन सी साइड की है? माँ इसकी नुगरी है। वो कोई ब्लड लाइन की है कि अननोन है? ओ हमको नहीं पता, अननोन है वो। अननोन नहीं। और वो क्या हाइट की है? उसका बाप नहीं पता। ओके, वो क्या हाइट की है माँ? उसकी हाइट 63 इंच। 63 है। ओके ओके, तो ये जाएगा मेरे ख्याल से 67-68 तो जाना चाहिए। जाएगा। 70 जाए तो और भी अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। नाम है कॉटन, बेचना है? अभी जीत गया तो बहुत अच्छा। नहीं नहीं, बेचने अभी रखोगे इसको? नहीं नहीं। ठीक है, नंबर देना चाहोगे हमारे दर्शकों को आपका? हाँ जी। क्रॉसिंग के लिए अवेलेबल होगा ये? हाँ जी। क्या रहेगी क्रॉसिंग फी? 21,000 ही। अभी तो जीत गए तो कॉम्प्लीमेंट्री रहना चाहिए ना, फ्री फ्री रहेगी? फ्री फ्री। ठीक है, बताइए नंबर क्या है आपका? 82-48-80-51। इंग्लिश में बोलोगे तो मुझे समझेगा? 82। कोई बात नहीं, दोबारा पंजाबी में बोल दो, हम धीरे धीरे बोलना, लेकिन पंजाबी में बोलो, लेकिन धीरे बोलो। अब माइक नजदीक रखो, पंजाबी में बोल दो आपका नंबर। 98-79-3300। और आपका नाम? गगनदीप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मारवाड़ी मेयर्स का कंपटीशन चल रहा है। सोमवार हो जाना काम का। ओह माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटी, स्टनिंग। ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੱਜਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਲੈਟਿੰਗ FSA ਗੈਟ ਇਨਸਾਈਡ। तो दिस इज़ मारवाड़ी मेल नंबर 298। मैंने बहुत देर से ज्वाइन किया, सो आई डोंट रियली नो कितने आके गए, बट आई हैव विटनेस सम ऑफ द बेस्ट हॉर्सेस हियर।
का समा दिता जा सके। तो घोड़िया वाले वीर भी नेड़े रहो, इतों बाद सत घोड़िया एंटर कराया जाऊगा। बहुत स्वागत है जी दविंदर प्रधान जी, हरिद्वार से यहाँ पहुंचे हैं। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸਪੌਂਸਰ मैं एंटर कराऊंगा जी, जरूर उन्होंने दर्शन करो। यहो जे घोड़े आप ज्यादातर टीवी से ही वेखते हैं। सो इंपोर्टेड ब्रीड के हॉर्सेस आने वाले हैं अभी, हुण पता लगना जी। बुलाओ जी सुखबीर सिंह बादल जी के घोड़े हैं सारे। सो बादल साहब के घोड़े हैं ये। घोड़ा घोड़ा ही होंगे कातों का, चाहे जिड्डा मर्जी हो, एटीट्यूड तो शेरराज यदा प्यो है देवराज रनिया माई सड़ी जी का घोड़ा। आवलक घोड़ी जी आई है जी, यदा प्यो है सिद्धराज जो राजस्थान का बड़ा फेमस घोड़ा है। तो बादल साहब की ब्रीडिंग की घोड़ी है, तो बछेरिया ही मिलते नाम है जी राज सिंघासन और राजहंस घोड़े का बच्चे जी। ये भी सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का बछेरा ही है उम्र जी। हले ओम सिंह जी एक गेड़ा ला दो फिर प्लीज। वाओ इस तो बाद मैं बेनती करता जी साडे अंकल जी गुरमेल अपनी घोड़िया दोनों लैके अंदर आ।
ओम जी प्लीज अब आप इनको ले जाए, थैंक यू भाई। ये रेखा खाली कर मारवाड़ी के रिंग च भी जितिया रही ने। दूसरी घोड़ी भी इन्हों की है जी, ये नाम है जी नूरी, ते प्यो का नाम है गुलबार, जिहड़ा सूरे वाली मशहूर ब्लड लाइन का घोड़ा है जी। ते बहुत बहुत बधाई जी पटवारी साहब नूं, साडे अंकल जी नूं, ते परमात्मा इन्हां दा शौक ऐ वधा के रखे जी। ते बहुत चंगीआं चंगीआं घोड़ियां इन्हां दी मलकीअत च रहीआं, ते ऐ इन्हां दी चढ़दी कला रखे रब। अंकल जी कुछ बोलो तुसीं भी तौला। सिद्धू परिवार का ऋणी है जिन्होंने बड़ी मेहनत नाल कार्य को संभाल रखा और चंगे ढंग चल रहा, तो कोई मैं नहीं कह रहा, सिद्धू परिवार ने किया, मैं आप सब तो सुन रहा जी, उन्होंने इन्होंने अच्छे ढंग चला रहा। सब तो पहला मसला ऋणी है क्योंकि इतने सारे डॉक्टर साहब भी इन्होंने दादा जी सरदार केर सिंह उन्होंने नाम जो तो लैके चल रहा तो वो अगे संभाल रहे हैं। उस तो अगर इन्होंने बच्चे भी मैं देखे है जेडे कि इन्ने काबिल पिंड चाचा जी कह लगे वो ताया जी तो चाचा जी जरूर कहते। अच्छी गल है जी, अपने बच्चों अपने विरसे जोड़ के रखना, सो घोड़ा भी साढ़े उस विरसे का एक हिस्सा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी थोड़ा इतने आने के, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। प्लीज एक गेड़ा लाओ अंकल जी। इस तो बाद मैं बुलाऊंगा जी बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा घोड़े को प्लीज अंदर लेके आओ जी। साढ़े है वीर बुर्ज खलीफा अंदर लाओगे जी। बुर्ज खलीफा इंतजारिंग घोड़े का मैनू लगता है जेड़े नु घोड़े की जानकारी नहीं वो भी चेक कर लेंगे कितना बड़ा घोड़ा। बुर्ज खलीफा घट भी नहीं होंगे, सो वह साढ़े दोस्त अपने घोड़ियां नूं इत्थे डिस्पले लई लैके आउंदे आ, बड़ा उन्हां दा धन्नवाद है जी। यह हरियाणे चों आए आ स्पैशल इस शो लई, ते बहुत बहुत धन्नवाद भाई साहब, चला के रखो घोड़े नूं ताकि सारे दर्शक इस गल नूं देख सकन। भाई साहब प्रिंट जी क्या हाल है आपका, कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए? बुर्ज खलीफा है पैदा तो होया जी चक हीरा सिंह जिला बठिंडा भाई बलवंत के घरे
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਛੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ਪਾਰਕੂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਬਣਨਾ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अब आ रहा है इंदर घोड़ा, नुमाइश चालू है, बहुत आउटस्टैंडिंग घोड़ों की। माशाल्लाह इंदर घोड़े दे रही भाई गुरपाल जी का नाम हमेशा लिया जाता है। ये 4 साल का जवान घोड़ा जी इंदर, जिसके प्यो का नाम है देवरतन। ये भी भाई जी राजस्थान तो आए है। ये मालक है जी अमन नरवाल जी। खूबसूरत घोड़ा इंदर, उम्र हले छोटी है। ये मालक है जी अमन नरवाल, रत्नाकर ब्लड लाइन का घोड़ा है जी, जिन्होंने रत्नाकर देखे है वो दस सकते हैं भी वह घोड़ा कितना चंगा सीगा। इन्हों का पिंड है जी 71 RB, तहसील राय सिंह नगर, राजस्थान पिंड है। पर उत्थे धन्यवाद है जी, बहुत बहुत धन्यवाद इत्थे लैके आने लई, बहुत शुक्रिया भाई जी। गेट खाली कर दियो जी, गेट खाली कर दस्यो। स्टैलियन गजराज की नुमाइश हो रही है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कुछ घोड़े होते हैं जिनको कम्पीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर सो गुड एंड यू डोंट नीड अ वैलिडेशन ऑफ हॉर्स शोज। देवराज रणिया घोड़े का बच्चा जी, भाई सनी गिल जी जी के मालिक है। उमर 26 महीने। ओनर भाई सुखा किंगरा जी गिदड़वाहा। इन्हां कोले कुछ होर भी खूबसूरत घोड़ियां ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਧਰਵਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਜੋਰਡਨ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਛੇਰਾ ਜੋਰਡਨ ਇਸ ਕਮਿੰਗ। ਬਛੇਰਾ ਜੋਰਡਨ ਗੇੜਾ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਛੇਰਾ, ਕਮੈਤ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। So the competition is resuming. 276, 284, 264, 285. मैं इसका कॉम्पिटिशन शुरू हो रहा हूँ। 270, 276, 284, 264, 283.
2 and 5, 2, 7, 4 दो घोड़ियां एंटर कर गई जी, बाकी दे वीरां नूं अंदर लियाओ, बड़ा फसवा मुकाबला है। 9 घोड़ियां दी एंट्री हुई है जी अंदर, ते इन्हां चों 7 सिलेक्ट होणियां ने। नौ घोड़िया जो है 270, 270, 274, 284, 283, 285 ते 274। जिने साडे वीर सिलेक्ट नहीं हुए, दिल ना छड्डो, हौसला रखो ते अगली बारी होर तैयारी करके आओ। सुनो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣਾ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ। 9 ਘੋੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ 19 ਦੇ 20 ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਐਡ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ। तो 9 घोड़िया जो है वो शॉर्टलिस्ट हुई है, शी इज द फर्स्ट वन। मैं जी आया आखदा जी डॉक्टर गुरदेव जी, 9 घोड़िया सिलेक्ट हुई है, शी इज द फर्स्ट वन। वेटरनेरियन चेकअप दी ड्यूटी निभा रहे हैं, शी इज द सेकंड। बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब दी टीम दा, ब्यूटीफुल। नुकरियां घोड़िया वाले जे कोई एंट्री रहती है एंट्री कराओ, इसके बाद नुकरियों का कंपटीशन होगा घोड़ियों का। ये है थर्ड वन, कंटेस्टेंट नंबर 274, ब्यूटीफुल। दिस इज द फोर्थ वन, पर कुछ गलत करना लो, फिफ्थ वन, किसी काम को हौली करना ठीक है, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। I think 9 ki 9 jo hai sari outstanding hai. Of course I'll have my personal favorites, but judges jo hai experienced hai, so they'll know best. If I have to select meri, inhone bahut bada hai, inhone bahut bhai ke jo se mujhe ye wali ghodi bahut achhi lagi, I like this one, yani judging ga de vich, I like, I like her, she's very beautiful. Bhai Rahul ji ਸਾਡੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਸਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ये भी बहुत अच्छी घोड़ी है, वाओ, दूर से समझ नहीं आता था, बट सॉरी, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर द जजेस, सो जो अगर नहीं जीता वो भी निराश ना हो, क्योंकि सारी की सारी घोड़ियाँ बहुत अच्छी है। वेरी फैक्ट दैट यू आर इन द टॉप 9 इज अ ग्रेट अचीवमेंट, सो ऑल द बेस्ट to whoever wins. I like her, she's outstanding. Bahut khoobsurat hai ye.
Oh, I love this one. तैयारी रखो, ये मुकाबला चंद मिनटां च फिनिश होना है। ते नुकरियां घोड़ियां वाले वीर, नुकरियां घोड़ियां का मुकाबला दूजे नंबर से तां करिया गया है भी उन्हां दी साफ सफाई, उन्हां नूं नवाउण धोउण नूं टाइम लगता है उन्हां दे रंग करके। सो जल्दी तो जल्दी अपनी नौकरियां घोड़ियां नूं लैके मनु जी ने पूरे शो में FSA को थैंक किया आने के लिए। थैंक यू सो मच मनु जी। नौकरियां घोड़ियां वाले वीरां नूं मीन्स अ लॉट। जे तुसी एंट्रीज करा लियां तां बहुत बहुत स्वागत है जी। जजेस जो है अपना फाइनल स्कोर्स दे रहे हैं एंड देर आर 9 हॉर्सेस और 9 मेयर्स रादर इन द फ्रे। आई अंडरस्टैंड फिली के लिए तो टॉप 7 प्राइजेस दिए थे, इनका पता नहीं शायद 9 देंगे, आई डोंट नो। ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल। ओ शी इज वेरी टॉल, वेरी वेरी टॉल, बहुत लंबी है। हमारे लिए इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जजेस के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग होगा। एंड दे मस्ट बी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। नौकरियां घोड़ियां वाले वीरां नूं बेनती है, हारने वाले कभी सैटिस्फाइड नहीं होते, वेट चेक करवा लैन। जिन्हां दी एंट्री रह गई है
वह प्लीज़ जल्दी तो जल्दी एंट्रीज करा लैन ता जो शो समय सिर स्टार्ट किया जा सके। ये राइट वाली की नेक प्रोफाइल तो बहुत ही बढ़िया है, दिस वन। सो इफ आई हैव टू पिक माय फेवरेट्स, दिस वन विल बी इट, द राइट साइड है, एंड दिस इज द सेकंड वन। दीज टू आई लाइक अ लॉट, एंड दिस वन हियर दिस कम्स माय फेवरेट। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये वाली जो घोड़ी है शी विल बी इन द टॉप थ्री। ये राइट वाली जो है are my two favorites, I think. One of them will probably win, not sure. क्योंकि दर्शकों एक बनिया होंगे भी कि फस्ट सैकेंड थर्ड आ उन्होंने भी जोर लगे। सो रिजल्ट आ गया जी, सत्तवीं पोजिशन हासिल की है जी, 276 276 नंबर। सो एट नंबर 7 ट्रॉफी रेडी रखो जी, पन्नू साहब ट्रॉफी रेडी रखो जी, गुरप्रीत सोमल प्लीज कैरी ऑन। 276 नंबर सत्तवीं पोजिशन हासिल की है जी, लैके आओ घोड़ी नूं अगे। So 276, she is at the 7th position, which is the 6th runner-up. इहदे मालक ने जी नवदीप सिंह जी तलवंडी साबो तों, शर्मा जी उस घोड़ी दा नाम ज़ारा गजराज घोड़े दी बच्ची है जी, इहनूं विक्टरी बॉल ते लिओ भाई जी प्लीज। अपनी घोड़िया तैयार रखो जी ताकि इमीजिएट इस तों बाद रिंग स्टार्ट करी जा सके, पर अंदर ना ले आयो हले, बाहर वेट करो। 276 नंबर सत्तवीं पोजिशन हासिल की है जी, छेवीं पोजिशन हासिल की है शो नंबर 270 270 270 नंबर। She is at number 6. 270 number ji. Thank you.
270 नंबर 6वीं पोजीशन हासिल की है जी। इस घोड़ी का नाम है जी सुंदरी। सेट नंबर 6 इज सुंदरी। फिफ्थ रनर अप ਇਹਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰਕੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। 2706 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਓ ਜੀ, ਟਰੋਫੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਫਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਨੰਬਰ 283 283 283 283 ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਨੰਬਰ 283 283 ਨੰਬਰ 5 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਘੋੜਮੈਨ ਹਾਰਸਮੈਨ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁੱਤ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਘੋੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਨੀਲਮ, ਸ਼ੋਅ ਨੰਬਰ 283 ਨੀਲਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ ਧਰੂਵ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੌਂਗ ਰਾਈਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਤਬਲ 'ਚ 40-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ। ਇੰਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। 283 ਫਿਫਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਨਰ ਧਰੁਵ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 274 274 ਸੱਗਾ ਨੰਦਗੜ੍ਹ। ਨੰਬਰ 4 ਇਸ ਦਿਸ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੱਗਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦਾ? ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨੀਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਮੱਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਸਿਧਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 40+ ਘੋੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਗਰ ਬਰੂਦ ਕਿੱਡਾ 40-40 ਘੋੜੀਆਂ ਲੋਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। 284 ਨੰਬਰ 284 ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾੜੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੀ ਦੈਟ ਨੰਬਰ 3 ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ 284 ਰਾਜੂ ਧਰੋਵ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਜੀ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰੋਵ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2006 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ 'ਤੇ 30-35 ਘੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਧਰੋਵ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ ਜੀ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 288 288 288 ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 288 ਨੰਬਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਭਣ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਭਣ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਰ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡੀ ਨੌਰਥਨ ਡਾਂਸਰ, ਇਹ ਵੀਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌੜ ਅਤੇ ਹਰਬੀਰ ਮੌੜ। ਫਸਟ ਰਨਰ ਆ ਘੋੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੂਨਮ,
ਪਾਜੀ ਮੈਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਪਾਜੀ So I think my favorite is the box, even if I'm not wrong. I thought as much, she's very deserving. So I have a feeling she will win. पहला स्थान प्राप्त किया जी शो नंबर 271 इस घोड़ी का नाम है जी शेख ओनर ने बाबा गगनदीप सिंह जी ते मैं दसदा congratulations very deserving very deserving ये राजा दा राज हुंदा मन करे थोड़ा ही बात जल्दी नजर इसी पे गई थी शुरुआत में इस घोड़ी ने अपने कैरियर के 17 शो जीते हैं जी 17 शो गए बस घोड़े काले कांटे दी है बच्ची है ते पंजाब जी है ब्रीड हुई है 1700 जितने खाला जी का बड़ा नहीं ते फिर भी लोग आख देंदे आ जजिंग च पार्शियलिटी हुंदी है ਅਸੀਂ ਜੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੁਕਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਕੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਬਜ਼ਾ बादशाह घोड़ी की नुमाइश हो रही है इनके ओनर से हमने इंटरव्यू ले चुके हैं शुरुआत में ਜੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ
जिवें बंदे अपनी जायदाद की राखी करते हैं उवें ही घोड़े भी अपने इलाके की राखी करते हैं तो उस इलाके की राखी के लड़ाइया भी होंगे जे जंगल च रहन तो किसी अस्तबल के होन तो खुल जाने दो नर घोड़े लड़ भी पैंदे हैं तो कई बार एक दूजे के बहुत भैड़िया सट्टा भी मारते हैं तो कई घोड़िया की मौत भी घोड़िया की लड़ाई च हुई है तो गुस्से जाए घोड़े जो बहबता करते हैं कई बार वंडन भी लग जाते हैं सुन वंड खाने घोड़िया भी लोग पर सामभ लेंगे बड़ा धन्यवाद है अमृतपाल बई जी थोड़ा थैंक यू वेरी मच इतने अपने खूबसूरत घोड़े को लैके आने शुक्रिया बई जी बई जी गेट खाली कर दो क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम क्या है? हाँ सर जी घोड़े का नाम क्या है? किंग आर्थर। ओके जी ओके सर लास्ट ईयर भी आया था जो फर्स्ट खड़ा था आई रिमेम्बर क्या उम्र का है सर ये? 42 months। कौन सी लाइन का है सर ये? बिग जैस्पर का बच्चा है, राजांश का पोता है जो ओके यहाँ पर अंदर नुमाइश के लिए लाए हो कि स्टैलियन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगा कि डिस्प्ले के लिए बहुत बढ़िया अंदर जाते हैं फिर हम। सो ये है सेज कंटेस्टेंट नंबर 271 एंड इसने सारी घोड़ियों के छक्के छुड़ाए और पहली पायदान पे आई है। जब मैं रिंग में एंटर किया मैंने 9 शॉर्टलिस्टेड घोड़ियों को देखा तो इस पे सबसे पहले नजर गई। सर किसकी घोड़ी है ये? ये काला कांटा की, इसके ओनर हैं बाबा गगनदीप सिंह जी। बाबा गगनदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? कुराली पटियाला जी। पटियाला के? पटियाला। और ये 17 हॉर्स शो जीत चुकी है ना पहले, तो वाकई में डिजर्विंग है, कोई देख के ही बोल देगा विनर है। बहुत बहुत मुबारक। क्या उम्र की है सर ये? 8 साल की है। काले कांटे की डायरेक्ट बच्ची है और 8 साल की, 8 साल में 17 चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फार्म का नाम क्या है इनके? गुरुद्वारा करतार सर है ये। फार्म का नाम है करतार सर स्टेबल। करतार सर स्टेबल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू धन्यवाद सर। सेवनटीन टाइम्स चैंपियन शी एस। सो बहुत से लोग हैं जो कम्पीट नहीं करते हैं एंड व्हाट दे डू इज दे गेट द हॉर्सेस नुमाइश के लिए लेके आते हैं। फॉर इंस्टेंस किंग आर्थर, इफ यू रिमेंबर वी स्पोक विद द ओनर लास्ट ईयर इन अ वन आवर ब्लॉग। मनोज जी पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। से आपने शो ऑर्गेनाइज किया सारा तो मैंने देख पाया, मैंने फिली का देखा था, मारवाड़ी और ये देखा हूँ, और वाकई में विनर्स जो है डिजर्विंग है। हमें देख के पता चल जाता है भाई कौन सा हमें पसंद है और वो टॉप 7 में रहती ही है जी। सो दैट मीन्स द डिसीजन इज वेरी फेयर एंड स्क्वायर, मुझे ऐसा पर्सनली लगा। बट जाहिर सी बात है हर एक बंदा जो है वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि एक शो रन करे। क्या होता है फिर लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं या हमारे घोड़े को नहीं जीता है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? ऐसा है जी, हमें परवाह है हमारे दोस्तों की, दुश्मन कोई बनता तो उसकी मर्जी है। हम लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको चेंज नहीं कर सकते। घोड़े रखना दिलेर लोगों का काम है और कमज़ोर दिल लोग जब घोड़े रखते हैं तो वो रिंगों में लड़ाई करते आके। अगर आपको इतना एक भ्रम है कि आपका घोड़ा चैम्पियन है तो उसको कभी भी रिंग में लेके मत जाओ, उसको किसी और फील्ड में दिखाओ आप। और अगर आपको जजों पे यकीन ही नहीं है तो आप क्यों रिंग में अपना और जजों का टाइम ख़राब करते हो? ये आपकी गलती नहीं है, मैं पुष्कर में भी देखता हूँ, यहाँ पर हर जगह देखता हूँ। तो ये हारने की जो क्या बोलते हैं, वी डोंट टेक लॉसेस वेरी स्पोर्टिंगली, आपको लगता है इंडियंस एज इंडियंस? जो एक वर्ड है ना निष्पक्ष, निष्पक्ष वही हर एक चीज़ निष्पक्ष हो, वही हर एक चीज़ या हर एक फैसला निष्पक्ष होता है जो आपके पक्ष में हो, और बहुत कम लोग इस बात पे अमल करते हैं। जो आपके पक्ष में नहीं है वो कभी निष्पक्ष आपको लगता नहीं है।
जजों को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को भी अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। बेशक लोगों में कंपटीशन स्पिरिट चली गई है, पैसे के ज़ोर पे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास ही बेस्ट चीज़ है, और उनके साथ जो लोग रहते हैं वो हैं चिंटू, जो उनको अंधेरे में रखते हैं और उनको हमेशा बताते हैं कि आपके घोड़े फर्स्ट हैं। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भैया तुम संजय दत्त लगते हो, उसमें मेरी गलती है, बोलने वाले की नहीं है। आदमी को खुद को समझना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करता है, और खुद अगर आपके घोड़ों को एनालाइज नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई भी जज आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। बिल्कुल, और कई मतलब ऐसा होता है कि जजेस में रिंग में जैसे टॉप नाइन में तीन से चार घोड़ियां जो है वो पुराने शो शायद जीत चुकी होगी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जी, उस पोजीशन में उस सिचुएशन में जजेस पे बहुत प्रेशर होता है किसको जिताए। ऐसा कुछ नहीं है जी, अगर जज वाइस नहीं है और वो ईमानदार हैं, वो केवल और केवल वो घोड़ी आज कैसे दिखती है, उसकी क्या कंडीशन है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर जजेस के मन में बेईमानी नहीं है तो ये बाकी और चीज़ें किसी तरह को कोई प्रेशर मैं नहीं मानता होता जी। आपका जो फॉर्म सिस्टम है सर, वेटेज किस किस चीज़ को कितना परसेंट हुआ, क्या वेटेज ज़्यादा है किसी के पैर को, आपने कहा था एक नहीं, एक पर्टिकुलर जो है जो बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे गुण अवगुण घोड़ों में देखे जाते हैं, ये सारे घोड़े अच्छे हैं जो रिंग में आते हैं, उसमें एक बिल्कुल नैरो मार्जिन रहता है जो पॉइंट के भी सौवें हिस्से में मान लीजिए आप। अच्छा, तो किसी तरह तो आप घोड़ों को पीछे करोगे, किसी में खूबसूरती ज़्यादा तो मेडिकल है या अनफिट नहीं है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको देख के जजेस अपना फैसला लेते हैं। कोई सिर्फ खूबसूरत बाहर से दिखे और पैरों से फेल हो, या पैरों से बहुत अच्छा हो खूबसूरती ना हो, तो एक बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जिसके बाद एक किसी भी घोड़े को चैंपियन बनाया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि टाई हो गया है लेकिन एक घोड़ी या घोड़े को जिताना है, उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? ऐसा नहीं टाई होता जी, बिल्कुल नैरो मार्जिन है और जजेस को अपने आप पे बड़ा यकीन है। इसमें परम भाई जज हैं, मनु सेखो जी जज हैं, परगढ़ पन्नू जी जज हैं, रॉबिन रसीदा और परमिंदर सिंह मौड़ जी जज हैं, तो ये लोग ईमानदार लोग हैं और घोड़ों में पूरा समझते हैं। और हमारे कमेटी मेंबर्स में से ज़्यादातर घोड़े रिंग में नहीं डाले हैं, और जिन्होंने डाले हैं अगर उनके घोड़े बाहर भी निकल गए तो उन्होंने किसी ने माइंड नहीं किया है। अब हम इस बात का यहाँ बार बार जिक्र नहीं कर सकते कि हमारे सोसाइटी मेंबर्स के घोड़े भी बाहर निकले हैं। अच्छा, बाकी जिन लोगों को लगता है कि शो वाले चोर होते हैं वो कृपया शोज में ना जाए, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे हमने देखा काफी घोड़े सिर्फ नुमाइश के लिए भी आए थे जी, वो भी कर सकते। नुमाइश के लिए हम लोग यहाँ 5000 रुपीज चार्ज करते हैं अभी जो एक राउंड हो रहा था। अगर हम लोग वो चार्जेस नहीं करेंगे तो यहाँ शो वाले घोड़े इतने हो जाएंगे कि हमारा रिंग कराना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सर एक और चीज़ का तारीफ करना चाहूँगा, जो जजेस है, मैं वीडियो बनाते बनाते थक जाता हूँ, जजेस और आप लोग जो है घंटों खड़े होते हैं जी, आई डोंट सी यू गाइस सिटिंग एंड टेकिंग रेस्ट जी, सो सल्यूट टू यू, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जब भी वीडियो डालता हूँ लोग ज़रूर कमेंट करते हैं, भाई मनु शर्मा जी से ज़रूर बोलना हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, दिस इज़ स्पेशली फॉर अ सब्सक्राइबर फ्रॉम बैंगलोर, बोला आप जब भी मिलोगे बता देना बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, हमारे चैनल पे भी बहुत चाहने वाले हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपका, हम लोग भी आपका चैनल देखते हैं, आपका चैनल का कॉन्टेंट जो है बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद। कुछ चैनल वाले केवल और केवल कंट्रोवर्सी पे काम कर रहे हैं, तो मेरी उनको राय है कि जो नेगेटिविटी है बाजार में फैलाओगे हजार गुना होके आपके पास वापस आएगी। लोगों को लड़ाना छोड़ो, अच्छी चीज़ें अपने चैनलों पे दिखाओ तो तरक्की खूब होगी। आपको सब्सक्राइबर मिले हैं मगर एक दिन वो लोग जो लोग लड़ाई कराते हैं, कंट्रोवर्शियल अपना विषय रखते हैं, उनके चैनल लंबा समय नहीं चलेंगे और लोग उनको जूते मारेंगे पकड़ के पब्लिक। हमारा तो यही है कि हम शौक करने आते हैं, शौक में जो बनता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नुकरी घोड़ियों का कंपटीशन होने वाला है नेक्स्ट। दीज आर द कंटेस्टेंट्स, माशाल्लाह सारी की सारी बहुत बढ़िया।
सर जी कितने की है बछेरा? कितने का है? हाँ, दस, दस हजार रुपये का, दस या पचास। हेलो जी, कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी, गायब हो गए थे आप तो। नहीं भैया, इधर ही था। और बोले मुक्सर आया, अमनदीप से मुलाकात नहीं हुई, ये बार देर हो गया यार आप। कैसे हो सर आप? तो अमनदीप जी है हमारे साथ, हाउ आर यू अमन? हाँ जी, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया, खेती बाड़ी करके दुबले हो गए यार बहुत। ऐसे ही चलता है भाई, खेती का तो चलेगा। शो में नहीं दिखे कितने हो? शो में ना फिर घोड़े लेके इतना करके शो में जा नहीं पाए। तो किसी को कम्पीट करा रहे? हाँ, एक हमारा जा रहा है घोड़ा उधर। कब? अभी चार दांत आएगा ना, शो होगा चार दांत। स्टैलियन का नुकरा कौन सा वाला कम्पीट कर रहा है? नहीं, वो एक नया लिया था। अच्छा, नया लिया गया महाराजी घोड़े का, वो पुराने वाले नहीं कर रहे? नहीं, पुराने वाले। ओके, कैसा रहा सीजन ये बार? बढ़िया। अच्छा, अभी शुरुआत हुई है? शुरुआत हुई है। कुछ माल बिका, कुछ लाए हो? नहीं, अभी माल नहीं बिका कोई। कितने घोड़े लाए हो? एक हमारे पास, मतलब एक तो बच्चा आ गया, ये पिछली बार लेके आए थे ना, जो दिखाने का हीरो, हीरो है। ये पवन के ऑस्कर के? नहीं, पवन का, पवन का बच्चा। एक ऑस्कर का बच्चा और बच्ची अंदर है। ओके ओके। एक वो घोड़ी आई है का, तो बेचने का इरादा किया है फाइनली हीरो का? हाँ, देख लेंगे, जो अच्छी कीमत मिलेगी तो दे देंगे। अच्छी कीमत क्या होती है आपके हिसाब से? चलो, वो तो कीमत तो चलती रहती है ना। कीमत तो आप तो करोड़ मांगो, आप ही नहीं जान करोड़ रहे। नहीं, हमारा इतना नहीं, अभी करोड़ वाला। हाँ, चलेगा, बस कोई चल जाएगा आठ सात के। मांग लो, क्यों शर्मा रहे हो? मांग लो, इतना सुनहरा मौका मिला है पैसे मांगने का, है ना? मांगने से मिलते नहीं ना। हाँ? मांगने का तो मन करेगा, चलो करोड़ भी मिल जाए, तो नहीं मिलेगा ना। अभी करोड़ वाला बच्चा भी पैदा करेंगे, फिर मांगेंगे भी। आप तो खैर खरीद के लाते हो लाखों में, बेचोगे करोड़ों में? नहीं, करोड़ों में तो नहीं, लाखों में बिक जाए तो अच्छा। ये बताइए क्या डिटेल्स है इसकी? ये पवन, यहाँ पर आओ। ये पवन का बच्चा है, अभी दो साल का बच्चा हो गया है। ओके। तो स्पॉटलेस है बच्चा, क्लियर है बच्चा। अभी मतलब की हाइट इसकी 60 इंच होगी है। 60? हाँ, 60 होगी। पवन कितने हाइट का है? वो 65 का है। 65 हाइट का पवन। ऑस्कर 66 हो गया है अभी। तो देना क्यों है? पवन, ऑस्कर जैसे घोड़े हैं वो तो आप रखते हो। हाँ, इसे क्यों देना है? कि आपने ये भाप लिया मतलब कि ये पवन ऑस्कर जैसा नहीं बनने वाला? नहीं, है वैसी कोई बात नहीं है। वैसे घोड़े हम घर पर कितने घोड़े रखे, लेकिन अच्छी चीज को दो घोड़े तो अलग हो गए ना। दो मेरे पास हो गए, दो उधर गोशा भाई के पास हो गए, फिर इतने घोड़े नहीं पलते। लेकिन अच्छी चीज कोई नहीं देता है? अच्छी नहीं है, अच्छा है बच्चा, सभी अच्छे होते हैं, पर सेल तो करा क्यों रहे हो? सेल तो करना ही पड़ेगा ना भैया, कुछ ना कुछ। बताइए कितना मांग रहे हो इसका? तो हम 5 मांग रहे हैं। 5 लाख मांग रहे हैं? ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप डराए नहीं हमें। नहीं, 5 लाख के तो हमारे वहाँ पे आजकल बम्बई में बकरे बिकते हैं 5-5 लाख। आप करते हो वीडियो, मैं देखता हूँ आपकी सभी। घोड़ा 5 लाख मांग रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। ठीक है, क्या नंबर रहेगा 5 लाख के घोड़े को कॉल करने खरीदने के लिए? 9592135921 3322221। वही नंबर ना? वही नंबर। हाँ, पहले इधर पोस्टर पर भी यही लगा हुआ। क्या है अपने फार्म का नाम? उपराज जटाना। उपराज जटाना, वही जो पुराना था? नहीं, आप हर साल पार्टनर भी चेंज करते हो? नहीं नहीं नहीं, तो मैं बार नए पार्टनर के साथ आया हूं। नहीं नहीं, गोशा ब्राड मैंने दोनों ही है। लंबा टिक गए फिर? लंबा टिक गए। हां, पहले से ही हमारी तो फ्रेंडशिप 2007-08 की है। हां, बढ़िया हमारा। और कुछ है अंदर? हां हां, अंदर है। वो जो अच्छी चीज होगी वो निकाल के बताएंगे, कल आएंगे ना वो लोग? हां हां, कल आ जाएंगे। यही सोते हो आप? हां, यही सोते हैं। बढ़िया यार, खाना वगैरह लगाओ भाई, खाओगे खाना? और नहीं, बहुत आपने पूछ लिया भाई। आपने खा लिया? हाँ, खा लिया हमने। ये बच्चे आई, ये ऑस्कर का बच्चा ही। ये ऑस्कर का बच्चा? हाँ। बछेरा है? बछेरा है। कितने उम्र का है? ये हो गया जी 13 मंथ का होने वाला। उसकी माँ कौन है? माँ हमारे घर पर ही है।
वो सेल नहीं करते नुकरी वाइट कलर की अननोन लाइन की है। हां अननोन लाइन अननोन लाइन कोई लाइन का बच्चे अच्छे निकाल बच्चे अच्छा निकला लेंथ इसकी भी आप देख लो लेकिन ये मैं देखा इसके के खिलान पिलान में कोताही रहेगी इसमें वो फिटिंग अभी तक देखो हड्डी दिख रही है भैया पता क्या बात है इसके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी चोट लगी इसकी देखो नीचे बीटे पर जो बोन मतलब ये जो पीछे का लेफ्ट वाला है उसकी वजह से इसे तकलीफ रहती है दर्द रहता है ना मतलब दर्द काफी रहा से पहले अभी कम है अभी थोड़ा सा हो रहा है पहले तो बहुत दुबला हो गया था ये बच्चा अच्छा बनना था हाइट करना था शो क्वालिटी वाला बच्चा था तो पर उसकी वजह से अभी नहीं हो पाएगा तो अभी ठीक ही नहीं होगा पॉसिबल है कि नहीं नहीं पॉसिबल नहीं हमने तो लुधियाने मेडिकल में यूनिवर्सिटी में लेके गए थे क्या बीमारी हो गई जो बोन फैलने लग जाती है हड्डी जो फैल जाती है वैसा भी होता ओके और क्या वजह है उसके लिए वजह उसकी कोई डाइट कोई डाइट में ज्यादा प्रोटीन वजह प्रोटीन की ज्यादा मात्रा हो जाए फिर भी हो जाती है। आप क्या खिलाते थे? वैसे तो मतलब जो चना वगैरह ते जमी चोकर वगैरह देते थे किसी वजह कारण हो सकता भी कोई जिवें चोकर दे विच ज्यादा होंदा ना फाइबर वगैरह उसकी वजह करके हो ओके तो क्योंकि अभी इसमें थोड़ा डिफेक्ट है हाँ। तो सोरठ में देना लॉटरी में सेल करेंगे पर नहीं लॉस में नहीं फिर भी कितने मतलब हम इसका 2.5 लाख मांग रहे अभी यानी चलता है तो लंगड़ के चलता ना 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 बिल्कुल चलने फिरने कोई प्रॉब्लम नहीं बस दिखने भी ऐसा लग रहा है जब ये थोड़ा बड़ा होगा इसकी सवारी कर पाएंगे लोग बिल्कुल कुछ मर्जी करो नहीं तो बहुत बड़ा स्टेलियन में बढ़ेगा ऑस्कर के करीब का जाएगा कम नहीं रहेगा उससे लेकिन खिलान पिलान अच्छी होनी चाहिए देखते हैं जो मंडी में जो सेल होता है तो अच्छी बात है नहीं होता तो फिर इसे भी बड़ा करेंगे 2.5 लाख सस्ता नहीं मांगे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से है थोड़ी सी प्रॉब्लम हाँ। लेकिन पैसे थोड़े कम नहीं किए आपने नहीं कोई बात नहीं अब हमें सबर इस पर ही मिल जाए तो अच्छा घर का है हमने क्या खरीदा नहीं ना हमने स्पॉटलेस है कि हाँ स्पॉटलेस नहीं स्पॉटलेस है स्पॉटलेस और ये जो है बाकी ये बच्ची है ये का ये हमारे फ्रेंड की बच्ची है गोशा आपके तो यही जॉब है ना बेसिकली फुल टाइम किसानी भी करते हो और फुल टाइम हाँ। घोड़े खरीदते हो हाँ। तो ऐसे हर घोड़े नहीं होंगे जो आपके पास पैदा हुए अच्छे ब्लड लाइन के आपको जो ठीक लगे वो सस्ते में लेके आ जाते हो फिर बेचते भैया हमने मतलब की आपके उधर गुजरात से जैसे काफी उधर से काफी भी मकराना बीकानेर उधर से काफी घोड़े लाए हैं घोड़ियां लाते हैं जो अच्छी लगती है अच्छी क्वालिटी होती है आगे प्रॉफिट दे देती है सेल कर देते हैं अभी सोच रहे हैं मतलब अच्छी 2-3 घोड़ी घर पर हाइट वाली पालेंगे क्योंकि पहले तो हमने मतलब के व्यापार ही किया तो ऐसे मारवाड़ी से इतनी परहेज क्यों है आपको नहीं मारवाड़ी मतलब अभी है घर पर मारवाड़ी 2 बच्ची ले ली हमने एक तो माथे पर ब्लेज है 3-5 स्पेद है 61 हाइट की है बच्ची अभी 4 दांत है वो ले ली है एक 5 क्लान ली है है 2-3 मैं देख रहा हूँ अभी शो में मारवाड़ी तो एक से एक आ रहे हैं यहाँ पे तो लाना चाहिए क्योंकि आपका खान पान बहुत अच्छा है नहीं नहीं वो तो है। ये 2.5 लाख का है पीछे बचे ना वो नहीं बच्ची है वो बच्ची है ऑस्कर की बच्ची वो भी ऑस्कर की वो ठीक है परफेक्ट है वो उसमें कोई ना बिल्कुल कमी नहीं है उसमें बिल्कुल कुछ अभी आए थे क्या उम्र की है वो वाली वो 1 साल की होगी भैया और कितना मांग रहे हो उसका उसका 3 मांग रहे 3 अभी आए थे एमपी के 3.5 और ये 50,000 की है नहीं नहीं ये बच्ची तो काफी कितनी ये हमारी नहीं है हमारे फ्रेंड की है उसका रेट है हमें नहीं पता क्या मांग रहा है अभी तो भाई ये इनका वे घोड़े बहुत अच्छे की है ये मांग कौन से घोड़े की है ज्वालामुखी नहीं घोड़ा जो अभी सेल हुआ है ओके उस घोड़े की है मेंटू रोड वाले का बच्चा ना जो ओके जी उस घोड़े की ओके ठीक है ये घोड़ा खरीदना है बछेरा या बछेरी खरीदना है जस्ट गिव मी कॉल नंबर इसका लास्ट टाइम बोल दीजिए क्या 9592132221 ठीक है कल दोबारा आएंगे कल उसको भी लाओ ना वो टकला था ना जैसे बाल थे क्या नाम था आपका दोस्त था वो अभी इधर ही है इधर घूमने गया है वो हमारे पास ही आया तुम्हारे पास ही आया अभी लेके ही आए क्या नाम था उसका पिता उसको लेके आना आ गया वो हमारे पास ही आया अभी थोड़ा टाइम मैं निकला ना बाहर तो मेरे पास इधर देखने के लिए आगे लोग वो फिर घूमने के लिए निकल गया तो उनको बोलना हम याद हाँ नहीं नहीं बहुत आएगा अभी इतने आ जाएगा घूम कर आना 10-12 मिनट में आ जाएगा हमारे पास हाँ। कल मिलते हैं चलो उनको बोलना जरूर आने नहीं नहीं भैया जरूर थैंक यू सो मच थैंक यू भैया पांचवी पायदान पे आई अभी ये क्या नाम है इसका उसका नाम नीलम है और इसका नाम क्या है ये कल के उसमें थी शो में क्या आज के उसमें आज ही थी अच्छा आप कौन सी पायदान पे आई है तीसरा और पांचवा दोनों आप ही वो भी आप ही की है अरे वाह कहाँ है इनके ओनर कहाँ पे है कहाँ पे इनके ओनर है आप हो
सर जी क्या है ये जो आप बेच रहे हो, क्या है ये बेच रहे हो? ये शुगर के लिए है जी, ग्लास शुगर के लिए। हाँ जी हाँ। क्या फायदा है इसका? कौन सी लकड़ी की है? बना हुआ है। कौन सी लकड़ी है? रूहड़े की लकड़ी। ये रूहड़े की लकड़ का ग्लास बना हुआ है, ये शुगर को कंट्रोल करता है। ओके। इसके अंदर हमने रात को पानी डालना है, पानी हम सिंपल डाल सकते हैं, आरओ का पानी नहीं डालना है इसके अंदर, और सुबह खाली पेट पी लेना है। आधा घंटा कुछ खाना पीना नहीं है, आधे घंटे के बाद गर्म पानी पीजिए। जिसका शुगर बढ़ते क्रम में है उसका शुगर कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगा, 15 दिन में फीडबैक आ जाती है। ये कहाँ पे साइंटिफिकली प्रूवन है? सर प्रूवन तो ये तो पुराने समय के फॉर्मूले है। ओके। जो हमारी पुरानी प्रगति है। अच्छा अच्छा। वही चीजें हैं जो कि आज हम लेके आए। तो कितना मांग रहे हो आप इसका? सर ये 300 रुपए का ग्लास है। 300 रुपए का ग्लास है। 300 रुपए का ग्लास। तो रात भर सादा पानी रखना है और सुबह खाली पेट पानी पीना है। बहुत शुक्रिया सर। क्या क्या कहते हैं इस चीज को? इसे सर हम तो ये बोलते हैं रूढ़े की लकड़ का ग्लास। रूढ़े की लकड़ का ग्लास डायबिटीज कम करता है। हाँ, डायबिटीज के लिए कंट्रोल में रखता है। ओके तो दिन में एक ही बार पीने का एक ग्लास? एक बार ही पीना। ओके सुबह सुबह खाली पेट। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह खाली पेट एक ही बार पीना है। थैंक यू। सो बिफोर लीविंग आई एम हैविंग माई फूड, इट्स 4 o'clock। वैसे काफ़ी लोगों ने खाने के लिए पूछा था बट किसी को तकलीफ देने अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप में से बहुत लोग माघी का मेला देखना चाहते थे जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, झूले लगते हैं। सो मैंने सोचा आज आपको माघी मेले की सैर भी करा लूँ। सो मैं अभी निकल रहा हूँ माघी के मेले में। क्या है ये? चकोर। कितने का है? 1000 का जोड़ा है। 1000 का जोड़ा। सो चुकर पैट्रिज है, दिस इज कॉल्ड द चुकर पैट्रिज। ये बढ़िया। ये लोग खाते हैं पालने के लिए? ये अंडे देते हैं लोग, अंडे खाते नहीं, इसके अंडे खाते हैं। और सही ये जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय बर्ड है, नेशनल बर्ड चकोर, चुकर पैट्रिज बोलते हैं। चकोर आई डोंट नो ये नाम, लेकिन चकोर ही है उसका, चुकर पैट्रिज। चलो फाइनली राइड मिल गई केके रोड पे। चलोगे आप? चलो वही जगह पे जा रहे हो ना, केके रोड पे। चलो बैठो, शरवण जी भी है, प्रदीप जी भी है। पंजाब पुलिस जो है इनको दे रही है फ्री जूते, जो गरीब है उनको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की। विक्की विक्की मेले मेले के चलो जहाँ पे प्रॉपर मेला लगता है। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि भाई हम मेला भी बताएं, मुक्सर में प्रॉपर मेला जो होता है। दिस इज़ इट। एक्चुअली मेरे होटल से लगभग ये 500 मीटर दूर है,
और ये मेला अलग होता है और जो घोड़ा मंडी होती है वो अलग होती है, वो काफ़ी दूर है, तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है प्रॉपर मेले से। दिस इज़ वेरी क्लोज टू द बस स्टैंड। मेले की एंट्री टिकट है 25 रुपये। 25 रुपये की एंट्री टिकट लेके आपको यहाँ से एंट्री करनी है। देख रहे हो सर, 30 रुपए में खेलिए, सारा फोड़ो तो 150 रुपए मिलेगा, यू गेट 5 टाइम्स दी अमाउंट। फोड़िए सर, हाँ।